काफी लोग मुझसे बोलते थे अतुल भाई आप स्टीम में ऐसे मुर्गे की तरह क्यों बैठते हो ना, ये जो चेयर थी आपको बताया अब यार 18-20 घंटे बैठ रहा हूँ डेली के डेली, तो यार दर्द तो होती थी कमर। तो वैसे एक लड़के ने मुझे बोला था कि अतुल भाई जितने की आपके चेयर उतने का एक डबल बेड आता है बहुत, और ये बन गया हमारा डबल बेड। ले भाई जो बोल रहा था ना भाई डबल बेड लेने के लिए, उसके लिए भाई ये डबल बेड ही बन जाता है भाई। तो यहाँ पे हम सो के बिल्कुल अपना अभी जस्ट सो के उठा था और एक गुड न्यूज आई थी कि आपकी गेमिंग चेयर आने वाली है, तो अभी गेमिंग चेयर वाला डिलीवरी करने आने वाला है। वैसे जो डिलीवरी थी मुझको 10 से 11 मई की दिखाई थी, बट ये बहुत जल्दी आ चुकी है यार क्योंकि कोविड के चक्कर में दिखाई थी डिलीवरी। तो चलो गेमिंग चेयर आ रही है, बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ओपन करूँ उसको। आ जाओ, डिलीवरी बॉय का फोन आ चुका है मुझे और डिलीवरी बॉय बाहर आ चुका है हमारी चेयर लेके, तो देखते हैं। चलो इसकी तो डिलीवरी बहुत लेट दिखा रही थी, 10-11 तारीख की, जल्दी आ गई। हमारे पास आएगा, हमारा काम तो रोकने का है डिलीवरी करने का, पर लेकिन इतनी तारीख की डेट, वो तारीख देखो। चेयर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब अकेले उठाई भी नहीं आ रही, उस टाइम तो गेट से मैं ले आया था। अभी इसको अंदर करते हैं और अभी भाई को बुला दिया यहाँ पे, ये उठाएगा चेयर मेरे साथ और उसको अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि ये 25 किलो करीबन इसका वजन है और ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि 30 किलो हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी है। 25 किलो तो कंपनी ने बोला ही है, तो चलो उसको अंदर लेके चलते हैं। चलो भाई, फाइनली अब अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ चुका है, बिल्कुल सेटअप वगैरह करते हुए लाइट वगैरह ऑन करते हैं, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी कंपनी की तरफ से मेरे को वीडियोस वगैरह आई थी कि अगर आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करनी है तो वीडियोस देखना, क्योंकि ये असेंबल नहीं हो पाती है, इसको वीडियोस वगैरह देखना है, एक घंटा लग जाता है ऐसा मेरे को बोला और ऐसा मैंने सुना भी था। जो ये व्लॉग बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को मोटिवेट करना सबसे पहले, क्योंकि जो मेरी पुरानी चेयर थी गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और जो मेरी अभी ये चेयर है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ उसकी अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग भी मोटिवेट हो, आप लोग भी ये सब चीज़ें अपने सेटअप पर लगाओ जो भी यूट्यूब पर आया है और जो भी कुछ भी अपनी लाइफ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरी मेहनत थी और इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, काफ़ी महंगी पड़ चुकी है बट कोई बात नहीं, बहुत ही फाड़ गेमिंग चेयर है, ठीक है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट होने वाली है, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग बहुत अच्छी लगे, ठीक है, और आपको दिखा दूंगा। सो गाइस फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ये रहा सारा सामान जो मिला है, ठीक है, ये हमारा बैग का है, ठीक है, ये मेरे नीचे बैठने का, बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिख रही है चेयर वो, एंड ये सारा हमारा नेक का और ये पीछे पीछे का, ठीक है हमारे। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी चेयर असेंबल करते हैं, देन उसके बाद फिर से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं हम इसको असेंबल, क्योंकि असेंबल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि कंपनी से भी आया था कि असेंबल इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो अभी हमको वीडियो वगैरह देखनी पड़ेगी यूट्यूब पर जो कंपनी ने मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पर, तो उसके बाद देख के फिर उसका असेंबल करके फिर आपको दिखा देगी कैसा फील है। और हाँ, मेरी जो पुरानी चेयर है वो भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे रखी हुई है, अभी दिखाता हूँ, वो बड़ी ही मतलब दर्दनाक चेयर है, जिसको आप देखोगे तो बोलोगे अतुल भाई आपने कैसे 18-18, 20-20 घंटे उस चेयर में बैठा, हंस के आ रहा साले, हंस के आ रहा साले, तू बैठी हो चेयर पता चल जाएगा, टूटी हुई चेयर है, साला हंस रहा है, इसे मजाक हो रहा है। तो चलो गाइस ठीक है, असेंबल करते हैं फटाफट से, फिर दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है और पुरानी चेयर के साथ इसको। यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है हमारी, और ये भी हमारा इसका सबसे पहले बेस, मैंने सबसे पहले टायर लगाया, टायर लगाने में थोड़ा इशू आ रहा था क्योंकि इस पर क्या है थोड़ा टाइट से लगाना पड़ा है, और इनने पहले ग्लव्स भी दिए हैं, मैं भूल गया था तो ग्लव्स पहले थे दिए थे तो भाई लोगों ने, ग्रीन सोल थैंक यू सो मच फॉर योर ग्लव्स, के बाद हमको ये मिलता है, पता नहीं क्या बोलते उसको, मुझे पता नहीं जो भी है उसको मैंने यहाँ पे करके लगा दिया, ठीक है, यार ये लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे करके लगा दिया। फाइनली आपको जिसमें आप बैठोगे इसको कर देना उल्टा, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी ये हैंड्स के दिए हैं इनको देख लेना, यहाँ पे पीछे यहाँ पे नट्स हैं दे रखे 4 होल दे रखे, इसमें लगाना है, और जो ये नट है मिल रखे हैं तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, और लिखा हुआ भी इसमें राइट के लिए राइट है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट है, ठीक है। तो आप देखो गाइस यहाँ पे हम ये नट कस रहे जो यहाँ पे हमको दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, गैप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है, तो हिसाब से मैंने नट कस दिया यहाँ पे, ठीक है, और मतलब कस लेना अपने हिसाब से, आप नट थोड़ा अच्छे से कसना, ठीक है, मैंने भी कस दिया यहाँ पे, दोनों तरफ से कर लेना ऐसे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो गाइस ये मशीन है, हमको दो मशीन मेन नीचे लगानी है इसकी, ठीक है,
देन इसको यहाँ फिट करना है, तो इसके जो ये दो दिख रहे हैं आपको ना, ये जो हत्ते हैं आपके, इसके पहले लगाना, ठीक है? उल्टे में हम पहले ऐसे में लगा रहे थे, तो अभी ऐसे में नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये ऐसे में देख रहा हूँ यहाँ पे हत्ते पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है? आपको जो इसको लगाना है वो ऐसे करके उल्टे में लगाना है, एंड यहाँ पे फिर से आपको मिल जाएगा जो नट्स आपको मिल रहे हैं ये. So guys, हमारी इतनी ये हो चुका है, ठीक है? मतलब So guys, finally assemble कर चुके हैं इसको, आज का पेपर आ गया है. तो गाइस ये वाली चेयर ग्रीन सोल की चेयर है, और ये करीबन मुझे 20,000 रुपये की पड़ी है इसकी. तो देखो इस बार चेयर में दिखाओ भाई, चेयर में दिखाओ भाई, कैसी लगी गाइस? बहुत ही प्रीमियम चेयर है गाइस, और इसमें आपको दिखा देता हूँ फंक्शन क्या क्या है इसकी फंक्शन. तो ये आपके हाथ ऊपर नीचे, ठीक है, थोड़ा पास है इसको, ये जो आपके हाथ है ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है? ये आगे पीछे, ठीक है, कुछ भी गलत आ रहा ये देखो. उसके बाद ये इधर लेफ्ट एंड राइट भी हो जाते हैं, देखो लेफ्ट एंड राइट भी, मतलब अगर आपको करना है, ठीक है, और ऊपर करो जैसे यहाँ करना है, यहाँ कर लो थोड़ा आगे, ठीक है, आगे कर लो, आगे करके खेलना. और ये देखो यहाँ पीछे पे, यहाँ पे नेक सपोर्ट भी है, और इसमें बैक सपोर्ट भी दे रखा हमको एडिशनल, ठीक है? और उसके बाद अभी देखो तुम इसको, मैं बनाता हूँ डबल बेड. एक लड़के ने मुझे बोला था कि अतुल भाई जितने की आपके चेयर होते हैं एक डबल बेड आता है बहुत ही बढ़िया, उसमें आप लेट के भी स्ट्रीमिंग कर सकते हो. तो चलो आप देखते हैं इसको, मेरा बेड है ये, लीवर है इसका, और चलो बूम, और ये बन गया हमारा डबल बेड. ले भाई जो बोल रहा था ना भाई डबल बेड लेने के लिए, उसके लिए भाई ये डबल बेड ही बन जाता है भाई. भाई ये मेरे को लगा बहुत ही हैवी है. ओ गाइस, ओ भाई साहब, ओ भाई गाइस ये ट्राई मत करना गाइस, आप रो यार ये तो बड़ा थिंकर हो गया जी यार. ओ भाई मैं ऐसे गया पीछे एमएल वाला, ठीक है भाई, ज्यादा पीछे मत जाना क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये. ओ भाई साहब चलो गाइस, ये चेयर अब लाते हैं, अपनी पुरानी चेयर उसको दिखाते हैं यहाँ पे आपको. ये मेरी चेयर जिसमें पिछले 9 महीने से 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे हम लगातार बैठे, और इस चेयर ने जवाब नहीं दिया था क्योंकि ये चेयर ऐसी थी 5 डे से अभी तक ऐसी है. ये चेयर देख सकते हो आप पीछे से, यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहा है उसके हाल देखो, है ना? तो ये था कि हम उस टाइम पैसे थे नहीं और हम चेयर ले नहीं सकते थे, बट चेयर की इतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि सेटअप की ज़्यादा जरूरत थी, तो इसमें हमने सेटअप पर सारा पैसा लगाया था उस टाइम. और इस चेयर में बैठने के बाद मतलब वो पीठ में बैठता हूँ तो लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चेयर में क्या होता था कई बार मैं ऐसे बैठता था, और जैसे आगे जैसे तुम आगे होते थे तो मैं अभी सेटअप टूट दूंगा तो उसमें देखना कि मैं आगे तो पीछे हो नहीं सकती थी, मेरी चेयर एक ही जगह में स्टेबल थी क्योंकि जगह नहीं थी, तो मैं ऐसे करके कई बार यूं गिर जाता था क्योंकि इसमें नेट नूट तो थे ही नहीं तो गिर जाता था. तो कई बार ऐसे स्ट्रीम हुआ कि ये माँ का चला हमारा, ठीक है, भाई भाई वाला सीन काफ़ी बार गिरा भी, लोगों को पता भी चला होगा, ठीक है? तो ऐसे भी स्ट्रीम गिर जाते थे. ये मेरी पहली चेयर था, और ये देखो अपनी शानदार चेयर, ठीक है? तो ये मेरा हार्डवर्क था, और ये मेरा उस हार्डवर्क का जो रिजल्ट है गाइस ये है, ठीक है, ये मिला मुझे. और इसके बाद मैं जो चेयर लूँगा गाइस 1.5 साल बाद, वो चेयर होगी हरमन मिलर एम्बर्डी, और उसकी जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख की, और आई प्रॉमिस वो मैं लेकर आऊँगा अगले 1.5 साल के अंदर, ठीक है? फिलहाल ये चेयर है प्रीमियम, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, 20,000 रुपये की है, ठीक है, और इससे अच्छा कुछ आ भी नहीं सकता. और इससे अच्छी है तो अब फिर वही है जो 1.5 लाख से ऊपर है हरमन मिलर की, वो मेरा ड्रीम है जो नेक्स्ट ड्रीम वो पूरा करूँगा. फिलहाल यहाँ से यहाँ आ गया हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से. गाइस काफ़ी लोग मुझसे बोलते थे अतुल भाई आप स्ट्रीम में ऐसे मुर्गे की तरह क्यों बैठते हो ना, मैं ऐसे बैठता था यूं करके, तो लोग मेरे को बोलते थे अतुल भाई मुर्गे की तरह क्यों बैठते हो आप. क्योंकि गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं मुर्गे की तरह बैठता था वो इसलिए बैठता था क्योंकि ये जो चेयर थी आपको पता है अब यार 18-20 घंटे बैठ रहा हूँ डेली के डेली, तो यार दर्द तो होती थी कमर, तो वैसे मुर्गे की तरह बैठता था और जगह थी नहीं अपने पास, ऐसे बैठता था मैं, और ये ऐसे करके कई बार मतलब गिर जाती थी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो चलता रहता है लाइफ में. ये मेरी चेयर है, इसको अब अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है, और मेरी बीस्ट चेयर यहाँ पे खड़ी हो चुकी है अपनी, ठीक है? कितनी प्यारी लग रही है गाइस, ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है. और ये देखो अपना स्ट्रगल है गाइस, ये पूरे 18-20 घंटे 9 महीने से कंटिन्यूस में बैठा हो, एक दिन छुट्टी भी नहीं ली हमने. और ये मेरा रिजल्ट है हार्डवर्क का, मेरे ड्रीम थे पूरे हो रहे,
तो ये सब था इस ब्लॉग में गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इसके बाद आएगा हमारा सेटअप टूर, क्योंकि अब मैं सेटअप अपग्रेड कर रहा हूँ पूरा का पूरा। सेटअप टूर में आप लोगों को एक एक चीज़ पता चल जाएगी। फिलहाल अभी मैं इसी चेयर में बैठूंगा, चेयर में नहीं बैठूंगा। इस चेयर में जब मैं अपना नया सेटअप लगाऊंगा तभी बैठूंगा। फिलहाल मैंने चेयर पहले मंगा दी और 15-20 दिन के अंदर मैं अपना नया सेटअप टूर मतलब नया सेटअप डाल दूंगा। और उसके बाद ये चेयर की बहुत याद आएगी गाइस, इसमें बहुत यादें हैं। ठीक है, मुर्गा बोला, पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोला भाई, टट्टी कर रहा भाई, पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है। ये चेयर देखो ना भाई, माँ कसम गया, ये इसमें बैठ के ऐसा लग रहा है ना कि कमर को मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट फील हो रहा है। ठीक है, तो ये सब था इसमें। आप लोगों को भी यही बोलूँगा गाइस कि मेहनत करो, हर चीज़ मिलेगी। ठीक है गाइस, मेरी 9 महीने की मेहनत थी जिस चेयर थी, इस चेयर में निकलती 200 रुपये की चेयर है कुछ। ठीक है, इसके आगे 2-0 और लगाए और 20,000 की ये चेयर उठा ली। थोड़ी सी सस्ती पड़ी थी, 1,000 रुपये लेस पड़ी थी, क्योंकि कार्ड वगैरह आपको पता है इसी के, अदरवाइज ये 20,000 रुपये की चेयर थी। ठीक है, तो चलता रहता। चलो, आप लोगों को भी ये बोलूँगा लो, और अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग पर।